एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी शहरी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आटा गूंद रही थी, और आटा गूंदना ना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा हाथों पे चिपकता है और मैं आटा गूंदने से ज़्यादा उसके साथ कुश्ती कर रही होती हूँ। लेकिन ठीक है, गूंद लेते हैं, वरना मम्मा बिल्कुल से शहरी नहीं देने वाली है। तो यहाँ पर मम्मा बना रही थी पराठे, क्योंकि पराठे बनवाने की फरमाइश मेरी थी, तो मम्मा यहाँ पे पराठे बनाने से ज़्यादा ना जला रही थी, क्योंकि मेरी मम्मा को पराठे बनाते हुए बहुत गुस्सा आ रहा था कि शहरी का टाइम निकले जा रहा था और मम्मा यहाँ पे बैठ के पराठे बना रही थी। तो मम्मा सिर्फ गुस्सा ही कर रही थी मुझ पर पराठे बनाते हुए। लेकिन ठीक है, फिर भी पराठे तो खाने को मिल गए, गुस्सा हुआ थोड़ा सा लेकिन मिल गए पराठे खाने को उसके बाद। और यहाँ पे मम्मा क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे बना रही थी, और दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा रही थी। और मेरी जो हाथ की चाय होती है ना, वो चाय कम पानी होता है या पानी कम चाय होती है, कुछ ऐसी ही चाय बनाती हूँ मैं। लेकिन ठीक है, अच्छी चाय बना रही थी, फिर भी मैं मेरे घर वाले पी लेते हैं, बस ऐसी चाय बनाती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे मम्मा ऑमलेट बना रही थी, और यहाँ पे जल्दी जल्दी काम हो रहा था कि शहरी का टाइम ख़त्म ना हो जाए। तो मम्मा यहाँ पे बना रही थी ऑमलेट। तो हम लोग इतनी कोई हैवी शहरी नहीं करते हैं, तो हल्के फुल्के से ही अंडे बन रहे थे हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे गैस बिल्कुल से भी नहीं आ रही थी, क्योंकि ऑमलेट पक के ही नहीं दे रहा था। और यहाँ पे हमारी चाय बन के तैयार है, चाय कम पानी, लेकिन पी ली थी घर वालों ने, इतनी बुरी भी नहीं बनी थी, अच्छी चाय बन गई थी। और यहाँ एक तो ये अंडा ना पक के नहीं दे रहा था, मेरी मम्मा जो गुस्सा किए जा रही थी कि तुम्हारा ही दिल चाह रहा था अंडा पराठा खाने का। तो यहाँ पे बस ये हमारा अंडा सिक रहा था, और पता नहीं गैस आ रही थी कि जा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी ये बेचारा अंडा थोड़ा थोड़ा करके सिक ही रहा था। और फिर ये फाइनली सिक ही गया था बेचारा सिकते सिकते। और अगर आप लोग भी शहरी के अंदर अंडा पराठा खाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को क्लिक करें, उसके बराबर वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे मेरा अंडा बन चुका था फाइनली, तो बस अंडा अब मैंने निकाल लिया था। यहाँ पर मेरी चाय भी बनकर तैयार थी, तो बस ये मुझे कप्स में डालनी थी। उसके बाद मैं अपना जाके दस्तरखान लगाऊंगी अंदर, और जल्दी जल्दी से बस अपने अपना दस्तरखान लगाया था। तो यहाँ पे हमारे क्रिस्पी से पराठे बन के तैयार हैं। यहाँ पे जो मुझे क्रिस्पी क्रिस्पी पराठों के साथ जो क्रिस्पी क्रिस्पी डाट पड़ी थी ना, वो भी बड़ी लाजवाब थी। उसी के साथ यहाँ पे हमारा सालन भी आ गया था, तो मैंने सालन में बनाया था अंडा आलू रात के खाने में, तो वो भी आ गया था। यहाँ पे हमारा ऑमलेट भी आ गया था, और फिर बस बच्ची थी चाय। तो चाय जैसे पकने में देरी कर रही थी ना, वैसे ही दस्तरखान पर आने में भी बहुत देर कर रही थी। और मेरी मम्मा मुझे सिर्फ डांट रही थी कि चाय कहाँ गई, तो चाय दस्तरखान से गुम हो गई थी, सारा दरअसल भाग गई थी चाय भी शहरी के अंदर से। लेकिन ठीक है, फिर भी चाय आ गई थी। इसी के साथ मेरा ब्लॉग होता है ख़त्म। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।